मतगणना के रुझान आना शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव इस समय काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ में आगे चल रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा की लीड उनकी हो चुकी है और जिस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान अलग अलग वार्डों के सामने आ रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। ढोल धमाकों के साथ में यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह के लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसके मुताबिक ही जो परिणाम है वो आ रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है पुष्यमित्र भार्गव, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी हैं। पुष्यमित्र जी, किस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, क्या अपेक्षित थे? देखिए, आप मुझसे लगातार बात कर रहे थे पहले दिन से, जिस दिन 15 तारीख से ये घोषणा हुई थी कि कमल के फूल के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, उस दिन से लगातार हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इंदौर को लेके जो सपने हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी का जो संगठन कौशल है इंदौर में, कैलाश जी, आदरणीय सुमित्रा ताई ने जिस भाव से इंदौर का विकास किया है और इंदौर का पूरा संगठन, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, अध्यक्ष, पार्टी की सब महिला नेत्रियां, बूथ का एक एक अध्यक्ष, महामंत्री ने जिस भाव से संगठन में काम किया, जिस भाव से इस चुनाव की तैयारी की, पहले 4 कार्यकाल में जिन महापौरों ने इंदौर में काम किया, उससे पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित थी। ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, आपकी जीत जो है वो लगभग अब निश्चित मानी जा रही है। पार्टी के जो वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आगे चल रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड आप तक पहुंचा है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास को इंदौर की जनता जनार्दन का प्रतिसाद है, आशीर्वाद है, जो कहा वो किया। जो लीड आपकी बनी हुई है 50,000 से ज़्यादा की हो चुकी लीड अभी तक, और अभी आधी मतगणना हुई है, क्या लगता है आपको कहाँ तक जाएगा ये फिगर? मैं लगातार कह रहा हूँ, 2014 के बाद इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मुझे ऐसी आशा है कि हम भी कोई सब मिलकर जीत ऐतिहासिक ही करेंगे। तमाम तरह की जो आशंकाएं थी, अटकलें थी, क्या उन पर विराम लगेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पुष्यमित्र भार्गव जी को कोई जानता नहीं है, इंदौर की जनता है वो पहचानती नहीं है। देखिए, मुझे एक बात ये पता थी कि इंदौर की जनता अच्छे और बुरे में फ़र्क करना जानती है, बहुत जागरूक है, और दूसरी बात यह है कि वो हमारे प्रतिद्वंदी को अच्छे से जानती थी। तो ये एक बात, और भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मतगणना में गड़बड़ियां हो सकती हैं, उसके चलते ही काफ़ी ज़्यादा तैयारियों की बात उन्होंने कही थी, सीसीटीवी की बात कही थी। अब जिस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं तो कांग्रेस के इतिहास की बात करता हूँ, वो तो अपनी ही पार्टी में जो वो टिकट बांटते हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो और लगातार हार से बचने के लिए वो बौखलाहट में इस प्रकार चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन जिस जीत का अंतर है वो हर चीज़ का उत्तर है। क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, अगर परिणाम भी उसी प्रकार के आता है, तो क्या फिर प्राथमिकता रहेंगी महापौर बनने की? प्राथमिकताओं पे हम लगातार जनसंपर्क में बात करते रहे हैं और प्राथमिकता एक ही है, इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद और सहभागिता से। पार्टी के बड़े लीडरों से बात हुई, कुछ फ़ोन वगैरह आया बधाई का? नहीं, मैं सुबह जब निकला था घर से, मैंने सबसे आशीर्वाद लिया था और सब ने ये कहा था कि पार्टी के किए हुए काम और इंदौर की जागरूक जनता के विश्वास पे हम ये कहते हैं कि अपनी जीत सुनिश्चित है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम प्राण प्राण से मेहनत करोगे, अच्छा काम करोगे। मुख्यमंत्री जी या कैलाश जी से कोई बात हुई इस दौरान? मैंने अभी सब लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन ज़रूर किया था और आशीर्वाद लिया भी है, लेकिन अंतिम निर्णय आ जाए तो मैं उसके बाद सबसे और आशीर्वाद लूँगा। परिषद की क्या संख्या रहेगी, कितने 85 वार्ड में से कितनी? अभी मेरे को जो जानकारी है 2/3 बहुमत से हम लोग आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है और आगे जाएगा आंकड़ा। तो यहाँ पर अपनी जीत के प्रति और निगम परिषद के में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है उसको लेकर पुष्यमित्र भार्गव काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है, और उनका कहना है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की परिषद एक बार फिर बनेगी। साथ ही अपनी जीत को लेकर भी वो काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से जनसंपर्क में वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे थे, अपनी योजना, अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बात कर रहे थे, ये उसी का प्रतिसाद है कि इंदौर की जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। जिस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, नतीजा भी उसी के मुताबिक होगा। ओवर टू यू।